इसमें हम सारे परस्पेक्टिव्स क्लियर करेंगे बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक के ठीक है तो आज का जो पहला लेक्चर है वो हम इसमें बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट एनवायरमेंट सो एनवायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स ठीक है जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन्स हैं ह्यूमन्स अपने एनवायरमेंट के लिए अपने आसपास की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं लाइक कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एयर के फॉर्म में मिलती है हम वाटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं ठीक है हमारी बॉडी सेवेंटी परसेंट अगर देखा जाए तो वाटर से बनी होती है इसके साथ में वाटर इज अ वेरी बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है और सॉइल के लिए हम डिपेंड करते हैं सॉयल बेसिकली जिसमें एग्रीकल्चर किया जाता है और एग्रीकल्चर से हमें फूड मिलता है तो ऐसे में ह्यूमंस जो भी अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ें यूज कर रहा है वो अपने आसपास के एरिया में इंटरैक्ट कर रहा है तो उसी इंटरेक्शन को हम जनरली क्या बोल देते हैं एनवायरमेंट राइट सो एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ द कंडीशन दैट सराउंड गिवन पॉइंट एंड स्पेस ठीक है सो नेक्स्ट इज इकोलॉजी सो इकोलॉजी एक तरह की इंटरक्शन है ऑर्गेनिज्म की और इसके साथ में सराउंडिंग के साथ तो जब हम लोग ये कहते हैं कि बेसिकली जब हम एनवायरनमेंट के अंदर जब इंटरैक्शन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो उन इंटरेक्शन की स्टडी करने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है जैसे कोई साइंस है तो साइंस को समझने के लिए भी क्या होता है उसमें एविडेंस भी स्टडी होती है कुछ ना कुछ रूल्स चाहिए होते इकोलॉजी तो तो बताती है जो के अंदर पे होते हैं। और इकोलॉजी का जो शब्द है इसको फर्स्ट टाइम पे एटीन सिक्सटी जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने इसको कोट किया था तो इकोलॉजी का मतलब जो है वो इको शब्द आता है Oikos से तो ये जो आइकोस है इसका मतलब होता है हो ठीक है और जो लोगोज है लोगोस का मतलब होता है स्टडी तो ऐसे में इकोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ द हो स्टडी ऑफ द हो राइट ठीक है तो अब देखिए जो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेट एबायोटिक कंपोनेंट्स आर मोस्टली दी नॉन लिविंग थिंग्स जो बेसिकली जिनको सांस नहीं लेती तो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स उनको कहा जाता है और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स होती ठीक है जो सांस ले सकती हैं, इस तरह से तो लिविंग थिंग्स में कौन है लाइक ह्यूम प्लांट्स एनिमल्स ऑब्वियसली ठीक है और इसके साथ में क्या आता है बैक्टीरियास तो इनको भी रखा जाता है इसी एरिया में बाकी नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे पहले अगर देखा जाए सन सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सारी एनर्जी से सन से ही जो एनर्जी आ रही है उसी से पूरी अर्थ चलती है उसी से पूरा सोलर सिस्टम काम करता है अगर आप एग्जाम्पल की फॉर्म में देखा जाए तो सन से जो एनर्जी आती है उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनमें जो भी फूड होता है उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं यानी कि सन की एनर्जी से प्लांट्स ग्रो हुए और वो जो फूड लगा उस फूड को हमने जब कंज्यूम कर लिया तो उसके कंजप्शन के बेसिस पे वो एनर्जी हमारे अंदर आती है सेकेंड है रेनफॉल रेनफॉल सो रेनफॉल मीन्स वाटर राइट सो नेक्स्ट इज द हीट जो अर्थ ही ट्रैप करके रखती है थोड़ी बहुत जिससे कि एवरेज टेम्परेचर फोर्टीन डिग्री के आसपास का मेंटेन रहता है जिसको हम बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं दिस इज कॉल्ड ए ग्रीन हाउस इफेक्ट भी से कहा जाता है और लास्ट में क्या आ गया दिस इज दॉयल तो दीज आर मेजर कंपोनेट्स ऑफ द एनवायरमेंट सो फर्स्ट इज ए बायोटिक एंड सेकेंड इज दायोटिक कंपोनेंट्स राइट सो नेक्स्ट इकोलॉजी मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक स्टडी है जिसमें ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ यानी कि जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं इनका आपस में जो रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप के साथ ठीक है पूरा हमारा एनवायरनमेंट काम करता है ठीक है तो इकोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या है दिस इज द स्टडी ऑफ द अर्थ और इसको एटीन में अर्न स्टेकल ने फर्स्ट टाइम पे इस टर्म को क्विन किया था राइट अब देखिए किसी भी एनवायरनमेंट को समझने के लिए मैंने कहा कि किसी साइंस की जरूरत है अब साइंस क्या करेगी वो रूल्स बना देगी अब इसमें ये कहा गया कि जैसे बायोस्फेर होता है बायोस्फेर अब वॉट इज दिस तो बायो दीन्स लाइफ ठीक है तो लाइफ किस चीज से आती है ये तीन कंपोनेंट्स मिलते हैं एनवायरमेंट के जहां से लाइफ आती है जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है लिथोस्फेयर तो लिथोस्फेयर मतलब लिथ का मतलब होता है पत्थर यानी कि पूरी लैंड का पार्ट है लैंड लैंड तो ये जो है, ये जो अर्थ में और बाकी सेकंड जो आता है सेकंड वाला पार्ट उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर एंड देन एक पूरा एयर का गैसेस का पूरा इनवेल्व है हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जिसको एटमोस्फेयर के नाम से जानते तो जहां पर तीनों मिल जाते लिथोस्फेयर इंटरेक्शन हाइड्रोस्फेयर से और फिर एटमॉस्फेयर से उसको कहते हैं हम लोग बायोस्फेयर तो बायोस्फेयर मतलब जहां पे लाइफ है तो पूरी अर्थ क्या है एक बायोस्फेयर की तरह काम करती है तो उसमें हम सबसे छोटा अगर हम लाइफ देखें तो किस फॉर्म में सेल्स की फॉर्म में ठीक है सेल्स की फॉर्म में एक्जिस्ट करता है जब कोई बिल्डिंग भी बनानी हो तो जब आप छोटी छोटी ईटे लगाते हैं ब्रिक्स लगाते हैं तब जाके पूरी बिल्डिंग बनती है वैसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के छोटे छोटे सेल्स बनते हैं और इन सेल्स की वजह से पूरी बॉडी का निर्माण होता है पूरी बॉडी बनती है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप क्या देख रहे हैं लाइफ का सेल है सेल जब मिले तो क्या बन गया ऑर्गन्स ऑर्गन्स जब काम करते हैं इकट्ठे होके तो कोई इंडिविजुअल बन जाता है जैसे ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो इंडिविजुअल यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई डियर है सो so डियर एक इंडिविजुअल है जब डियर के साथ में इसकी और तरह के डियर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको हम कह देंगे पॉपुलेशन यानी कि बायोस्ेयर को अगर आपने स्टडी करना है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में हमने सेल देखा फिर ऑर्गन्स आए फिर इंडिविजुअल्स आए देन पॉपुलेशन आई पॉपुलेशन के बाद जब आगे चले गए तो आगे अब आप देखते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत सारे जानवर भी रहते हैं जंगल में सिर्फ एक ही थोड़ी भी होता यहाँ पे एलिफेंट भी मिलेगा ठीक है यहाँ पे लायंस भी हैं डियर भी है जेब्रा भी है कई सारे बर्ड्स भी हैं राइनोस भी हैं तो इन सबको जब मिला दिया तो इस फॉर्म में इसको कहा जाता है कॉमुनिटी राइट दैट इज द कम्युनिटी ये पूरी कम्युनिटी जिस एरिया में रहती है जहाँ पे ये लोग घास खाते हैं बारिश वहां पे होती है ठीक है वहां पे नए नए प्लांट्स लगते हैं उसको कह देते हैं इको तो इको एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे आप ये सारी चीजों की फंक्शनिंग होते देखोगे इंटरेक्शन होता हुआ आपको प्रैक्टिकली नजर आएगा उसको हम जनरली जानते हैं इकोसिस्टम के नाम से इकोसिस्टम के बाद जब हम क्लाइमेट्स को इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग हो सकता है वहाँ टेम्परेचर के पैटर्न्स का वेरिएशन हो सकता है वहाँ पे रेनफॉल के पैटर्न्स का वेरिएशन देखने को मिल सकता है इसके साथ में वो जो एक यूनिक वहाँ पे कंडीशंस बनती हैं तो उसको बायोम के नाम से जानते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ बायोम एंड दीज बायोम्स आर बेसिकली ठीक है आप ये देखोगे बायोम्स हमारे अर्थ में पूरे नाइन टाइप्स के बायोम्स हैं अगले कुछ लेक्चर्स में आपको बायोम्स के बारे में भी बताऊँगा और बायोम्स के बाद जो कंप्लीट लाइफ है दैट लाइफ इज कॉल्ड एज अ अस्फेयर ओके सो इस तरह से हम पूरे इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं राइट सो नेक्स्ट इज द इको सिस्टम तो इको सिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट यानी प्रैक्टिकली हम इंटरेक्शन देख रहे हैं एनिमल्स और साथ में उसके एनवायरमेंट के बारे में राइट right? तो अब देखिए ये जो पूरा इको सिस्टम है इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं लाइक एक कंपोनेंट इसका बायोटिक कंपोनेंट है और दूसरा कौन सा है ए बायोटिक जो हमने थोड़ी देर पहले अभी सारा डिस्कस किया था तो इसमें मेनली बात की गई है बायोटिक कंपोनेंट्स की तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर का कौन जो कि प्रोड्यूस करता है जैसे कि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं सनलाइट की हेल्प लेते हैं ठीक है और सॉइल में से ये न्यूट्रिय लेते हैं और उनकी हेल्प से ग्रो करते हैं अब जब ये प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं तो ग्रो करने के बाद कोई ना कोई कंज्यूमर होता है यानी कोई हरबी बोर होता है जो प्लांट्स पे फीड करता है तो वैसे सबसे पहले कंपोनेंट कौन आ गया बायोटिक प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर क्या करेगा ये अपना खाना खुद बना सकता है इनको ऑटो भी कहा जाता है ठीक है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोड्रॉप्स अब बना दिए इसने खाना बना दिया अब बारी आती कंज्यूमर की जो अपना खाना नहीं बना सकते अब ह्यूमन्स हैं तो ह्यूमन्स भी अपना खाना कहाँ बनाते हैं ठीक है दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर ऑटोट्रॉप्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं खाना बनाने का मतलब यहां परांठे बनाने से नहीं है इसका मतलब है कि बेसिकली प्रोड्यूस करना ठीक तो है consumers. तो ह्यूमन क्या हैं दे आर कंज्यूमर्स तो कंज्यूमर्स हैं किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो ऐसे कंज्यूमर कई तरह के हो सकते हैं सबसे पहले आता है प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है कि ये लोग प्लांट पे फीड करते हैं प्लांट्स को खाते हैं अब जो प्लांट्स को खाता है तो इनको हमने सिंपल क्या बोल दिया कि दे आर दी हर्बी वोट्स ठीक है तो हर बोर बन गए प्लांट्स खाने वाले जैसे हरबी बोर के नाम आप बता सकते हो जैसे डियर हो सकता है रेबिट हो सकता है काओ हो सकती है ठीक है तो ये सब घास खाते हैं वैसे ही सेकेंडरी कंज्यूमर में अगर आप देखोगे जो प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करे जैसे डियर कोई खाने वाला कोई और आ गया तो जैसे जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करे ठीक है उनको हम कह देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स ठीक है ये लोग हरबी बोर्ड्स नहीं होते ये लोग कार्नी वोड्स होते हैं इनको कार्नी वोड्स कहा जाता है अब कार्नी वोड जो छोटा जानवर है मांस खाने वाला उसको कोई बड़ा जानवर भी खा सकता है ठीक है तो जैसे बड़ा जैसे मान लीजिए टाइगर है तो टाइगर लाइन खा सकता है टाइगर खा सकता है तो वो उनको हम सिंपली क्या बोलते हैं दे आर दी टर्शरी कंज्यूमर्स ठीक है इनको टर्शरी कंज्यूमर कहा जाता है एंड दे आर कॉल्ड एज दी सेकेंडरी कार्निवोर्स ठीक है इनको सेकेंडरी कार्निवोर्स भी बोल देते हैं कुछ ओमनीवोरस होते हैं ओमनीवोरस जैसे कि ठीक है ये जो है ये स्नेक भी खाते हैं और साथ साथ में कुछ प्लांट्स को भी खाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर ओमनीवोरस यानी दोनों तरह के प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं अब देखिए अब कई बार क्या होता है कि, कि किसी जानवर ने किसी दूसरे जानवर को खा लिया बाद में जो उसके डेड रिमेन्स थे वो तो जंगल में वहीं पड़े रहे लेकिन हमारी अर्थ में ये पूरा सिस्टम है जिसके अंदर जो पूरा डेबरिस भी बच जाता है उसको भी कोई ना कोई खाने वाला आ जाता है उसमें बैक्टीरियाज जा आ जाते हैं या फिर आपने गीतों के बारे में सुना होगा ठीक है दे आर दी देंजर्स कि जो कि क्या करते हैं कि जो डेड रिमेन्स हैं उनको फीड करते हैं उनको भी खा लेते हैं तो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को खाने वाले उनको कहा जाता है डी कंपोजर्स दे आर कॉल्ड एज डी कम्पोजर्स राइट right? तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट में कितने हो गए तीन तो पहला प्रोड्यूसर दूसरा कंज्यूमर तीसरा कौन सा आ गया डी राइट ठीक है तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे में प्लांट्स लगे और प्लांट्स जो है इसको किसी डियर ने खा लिया काओ ने खा लिया सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ ठीक है बा, बाकी जो कुछ न्यूट्रिएंट चले गए वो यहाँ पे फिश भी कंज्यूम कर रही है पानी के अंदर तो जब डियर है इस डियर को कौन कंज्यूम कर रहा है टाइगर तो डियर हो गया हरबी बोर और टाइगर क्या हो गया कार्बोर राइट एंड दिस दिस ग्रास इज इज बेसिकली द प्रोड्यूसर राइट ठीक है सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अब इकोसिस्टम कौन कौन सी टाइप्स के हो सकते हैं तो इकोसिस्टम की दो टाइप्स हो सकती है एक होते हैं टेरिस्ट्रियल एंड दूसरे होते हैं लैंड मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना टेरेस घर के ऊपर एक टेरेस होता है तो सॉलिड पार्ट है दैट इज टेरेस और aquatic मतलब एक्वा तो एक्वा मतलब वाटर राइट right? सो so, सबसे पहले अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहला है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट बहुत घने जंगल भी होते हैं कुछ थोड़े कम डेंस जंगल भी होते हैं लेकिन इनके अगर आप देखोगे तो ये फॉरेस्ट काफी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े आपको देखने को मिल जाएंगे साथ में ग्रास भी हैं तो ग्रास कैसे होते हैं इनमें थोड़ा रेनफॉल जो होता है कम होता है जैसे रेनफॉल सेवेंटी सेंटीमीटर के आसपास है तो यहाँ कम फॉरेस्ट होंगे ज्यादा घास ज्यादा होगी इसलिए इसको ग्रासलैंड बोलते हैं और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर अगर फॉरेस्ट की बात की जाए हंड्रेड सेंटीमीटर से ऊपर अगर रेनफॉल होगा या इससे रेनफॉल बढ़ता जाएगा तो जंगल बहुत ज्यादा घने होते जाते हैं जैसे आपने अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा एमेजॉन रेन फॉरेस्ट सो दीज रेन फॉरेस्ट आर बेसिकली फाउंड इन दी साउथ अमेरिका ठीक है ऐसे ये पूरे साउथ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका में यहाँ पे एक रिवर चलती है अमेजोन रिवर इस एमेजोन रिवर के पार्ट में क्योंकि इक्वेटर यहां से जाता है तो इधर डेली दो बजे के बाद ठीक है डेली दो बजे के बाद यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है और इस रेनफॉल की वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं एंड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में इनको कहा जाता है दे आर देंसेस्ट फॉरेस्ट ऑन दी अर्थ बहुत ज्यादा घने जंगल यहाँ पे है और ये कई लेयर्स में होते हैं चार से पांच लेयर्स में बताए जाते हैं और इनको लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है तो वैसे ज्यादा रेनफॉल है तो ज्यादा फॉरेस्ट है अब जैसे इंडिया में आपको मॉनसूनल फॉरेस्ट मिलेंगे ठीक है मॉनसूनल यहां रेनफॉल थोड़ा कम है इसलिए उतने डेंस नहीं है जितने ब्राजील के अंदर है या साउथ अमेरिका के पार्ट्स में तो पहला फॉरेस्ट दूसरा क्या गया ग्रासलैंड जहां रेनफॉल 35 सेंटीमीटर से भी कम है वहां पे क्या होगा डेजर्ट अब ये तीनों डेजर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है तीनों मतलब इकोसिस्टम्स की और यहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे काफी डिफरेंस होता है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में वैसे ही फ्रेश वाटर जहाँ पे हमारा जो वाटर में सेलाइन कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइव पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड के पास होगा फ्रेश वाटर मतलब जो पीने वाला पानी होता है सलाइन वाटर जो ऐसा वाटर है जिसमें थर्टी फाइव के आसपास सलाइन कंटेंट है ठीक है सेलिनिटी है तो इस वजह से ये ज्यादा नमकीन पानी होता है तो ये इस पानी को पिया नहीं जा सकता वैसे मैरिन वाटर भी होता है ये भी सलाइन वाटर ही माना जाता है ठीक है तो ये एक्वेटिक सिस्टम्स होते हैं अब उसके आगे अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे इकोसिस्टम फूड प्रोवाइड करता है है ना खाने पीने के आइटम्स मिलती हैं और फूड मिल गया फ्यूल मिल गया फाइबर फाइबर देखो कितना इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल्स के लिए यहाँ से आता है शेल्टर बिल्डिंग मटीरियल बिल्डिंग मटीरियल में लकड़ी यहाँ से काम आती है शेल्टर भी उसका बनाया जा सकता है वाटर का और एयर का प्योरीफिकेशन अब प्लांट्स क्या करते हैं वो एयर को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं एयर को प्योरीफाई करते हैं वैसे ही वाटर क्या होता है कि ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो फॉरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से जो सरफेस पे पानी चल रहा है आपका सरफेस रन ऑफ है ये स्लो होता है तो ये स्लो होने की वजह से वाटर क्या करेगा ये ईजिली परकुलेट कर जाता है ऐसे जब ये परकुलेट करेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करेगा साथ में डिटॉक्सिकेशन एंड डी कम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट यानी कि वेस्ट को ये डिटॉक्सिकेट करता है और अच्छा बनाता है मतलब बेसिकली सिस्टम को और क्लाइमेट मॉडरेशन करता है क्लाइमेट को बदल देता है लोकल क्लाइमेट चेंज होते हैं फ्लड्स ड्राउट्स टेम्परेचर एक्सट्रीम्स इन सबको रोकने में हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है न्यूट्री की साइकिलिंग बहुत अच्छी होती रहती है प्लांट्स की हेल्प से और कल्चरल और एस्थेटिक बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें इस इकोसिस्टम्स की वजह से देखने को मिलते हैं राइट सो नेक्स्ट इज बायोस्पेयर तो बायोस्पेयर अभी हमने डिस्कस किया था कि एक तो बनेगा फेयर यानी कि लैंड सो दिसर इज कन्वर्टेड इन टू 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 पार्ट कॉन्टिनें एंड द सेकेंड इज आइलैंड ठीक है सो कॉन्टिनें कितने बनता है एंड दाइड्रोस्फेयर इज हाइड्रोस्फेयर इट इज अबाउट सेवेंटी परसेंट इसलिए अर्थ को ब्लू प्लान वॉटरी प्लान इस नाम से भी जानते हैं ठीक है तो बायोस्फेयर का मतलब क्या है कि लिथोस्फेयर मिल गया हाइड्रोस्फेयर मिल गया साथ में थर्ड क्या मिल गया एटमोस्फेयर ठीक है एटमोस्फेयर मतलब कोई ब्लैंकेट ऑफ गैसेज है अर्थ के बाहर ठीक है ऐसे तो उसको हम एटमोस्फेयर के नाम से जानते तो इसकी इन गैसेस की भी कंटिन्यूसली साइकिलिंग होती रहती है ठीक है और ऐसे में जब ये तीनों जब मिल गए यानी एटमोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर ठीक है या एटमोस्फेयर लिथोस्फेयर ठीक है तो उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं बायोस्फेयर तो लाइफ जो है वो अर्थ में सभी जगह एग्जिस्ट करती है कुछ जगह को छोड़ के जो बहुत एक्सट्रीम है जैसे मरियाना ट्रेंच है तो मरियाना ट्रेंच की डेफ्थ बहुत ज्यादा है इलेवन किलोमीटर के आसपास पानी के अंदर पैसिफिक ओशन में है तो वहां पे हो सकता है कि लाइफ ना हो तो वैसे हर जगह जहां भी एटमोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर है वहां आपको क्या मिलेगी लाइफ मिलेगी और इसी से ही इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और ऑपरेट करते हैं राइट सो नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है जैसे एक हैबिट आट तो हैबिटाट का एक फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और उस ऑर्गेनिज्म को जो भी पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट चाहिए उसके सर्वाइवर के लिए वो वहां पे होती है वो एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करता है उसकी नीड्स के लिए तो जैसे अगर आप हैबिटाट देखोगे कैसे हो सकते हैं तो टेरिस्ट्रियल हो सकता है तो टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या है कि लैंड के ऊपर राइट सो पक्षी या तो घोंसले में रहता है ये इसका हैबिटाट है यही रहेगा उसके साथ में कुछ फ्रेश वाटर वाले होते हैं घड़ियाल्स जैसे ठीक है फ्रेश वाटर जो कि फ्रेश वाटर में ही सरवाइव करते हैं कुछ होते हैं जो एस्चुरीज में मतलब है है। तो जनरली कहते ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हैं जो सरवाइव कर जाते हैं उनको ऐसा हैबिटेट चाहिए कुछ मैरीन ओशंस में आपको मिलेंगे सलाइन वाटर में ठीक है तो ऐसे हैबिटाट है नीश एक तरह का एक बहुत ही यूनिक फंक्शनल रोल प्ले करता है स्पीसीज की बेसिकली uh, उसके हैबिटाट के अंदर तो हैबिटाट के अंदर भी कोई नीच हो सकता है यूनिक स्पीसीज के लिए बहुत छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें स्पीसीज uh, कई तरह से अलग अलग अपने लाइफ के बेसिस पे वो कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए उस रिक्वायरमेंट में वो स्पेसिफिकली मिलते हैं जैसे छोटे छोटे नीश हो सकते हैं जहाँ पे आपको मेंढक मिल सकते हैं रहने वाले तो ये स्पेसिफिक और यूनिक फंक्शनल रोल के बेसिस पे इनको सेलेक्ट किया जाता है राइट right? तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर जो कि बेसिकली हमने डिस्कस किया और इसके साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस हम इसी पूरी लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे आपने कोई डाउट्स वगैरह पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू